बंदा अंदर है, अभी छुरी निकाली, छुरी निकाल के यहाँ से देखा ये निकलने की कोशिश की, ये तो बंद था। उसके बाद ही जैसे बाग ऐसे करके यहाँ उसने एंटर की और अंदर तो हमला किया हो गया। वो अंदर आया जी, वो अपने काम में लगी हुई थी, फोन पर लगी हुई थी। जैसे ही वो जब जाने को आवाज़ मिल जाए वहाँ, उसने जो देखा गई कोशिश की, उस दौरान उसको भागने का मौका लगा। जैसे ही वो जो जहाँ से गई उसने जब भाग गया तो कोई खास उसके पीछे पीछे उससे बटवे जी क्या आवाज़ यहाँ काफ़ी। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी जी, लहू लुहान हुई पड़ी थी। वो चिल्ला रही थी, अंकल जी मेरे को बचा लो, अंकल जी मेरे को बचा लो। तो फिर मैंने उनको थोड़ा सहारा दिया, बिठाया, मैं भी खून में लथपथ हो गया। फिर मैंने अपने घरवाली को बुलाया, बेटे की मिसेज है उनको बुलाया, उन्होंने उसको उठाया, बिठा के चेयर पर बिठाया, पानी पुनी पिलाया। उसके बाद फिर मैंने वो उनके हस्बैंड को टेलीफोन किया, तो 15-20 मिनट इस चक्कर में लग गया आने जाने में। फिर हम इसको बाद हॉस्पिटल ले गए। यहाँ कोई आवाज़ आती नहीं, सर लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, ऐसे चलते रहते हैं। वो तो वहाँ से कूद गए, ये नहीं पता चला बेचारी कितनी वहाँ से कूदी, उठी और कैसे यहाँ हमारे आगे पड़ गई। क्योंकि शाम को हम यहीं बैठते हैं, थोड़ी देर उससे करसे बैठते रहते हैं, आपसे बातचीत करते रहते हैं। हाँ, अगर वो हिम्मत से काम ना लेती तो शायद उसका काम तमाम कर जाता। वो बहुत ही स्ट्रगल करा उसने, सेफ का भी ऐसे लगा लो। कई बार हमने पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट किया, भाई एक दो राउंड लगा दे करो, कोई आता जाता तो है नहीं ना, कोई सुनवाई करता है।
सर अभी तक तो कुछ पता नहीं लगा वो है कौन कौन नहीं, अब पहली बार यहाँ पर देखा गया जी। वो इधर इस साइड से आया जी, थार आके यहाँ से एक बार उन्होंने पानी अंदर पानी मांगा मैडम से, पानी मांगने के बाद वो दोबारा फिर आया, बोले जी ठंडा पानी दो साफ है रहे हमारे, इधर इशारा करके बोलिया साथ वाले को, तो मैडम ने फिर ठंडा पानी दिया दोबारा उनको। उसके बाद वो 20 मिनट तक इधर घूमता रहा साथ में, 20 मिनट के बाद उसने क्या किया, देखे इधर उधर भाई कोई नहीं है, वो पीछे से आया पिछली दीवार से बैक पड़ी से अंदर कूदा, अंदर के बाद अंदर कूदने के बाद उसने एक पहला दरवाजा जो कि लॉक था उसके बाद दूसरे दरवाजे से उसने अंदर एंट्री की, एंट्री करने के बाद उसने देखा कि मैडम थी, मैडम के ऊपर चाकू से हमला कर दिया, काटने लग गया उसको, उससे 25-30 वार कराए उसके ऊपर, जिससे वो मैडम भी नीचे गिर गई। उसके बाद उसने ये मेन डोर जो है इसको बंद करने की कोशिश करी, मैडम इतनी देर में अंदर रूम की तरफ भाग गई, मैडम ने रूम बंद कराया, वो डर गया भाई लॉक हो गया अंदर से रूम, वो इधर को भाग गया, मैडम पीछे से दोबारा से कूद के नीचे गिर गई, तो वो चोर इससे मेन दरवाजे से निकल के बाहर भाग गया। वो जी मेरे पास मेरे पड़ोसी का फोन आया था जी, भाई ऐसे ऐसे करके वारदात हो गया आपके घर, तो यहाँ आए जी हम, फिर मैं अपनी मिसिज को हॉस्पिटल में लेकर गया गाबा हॉस्पिटल में। उसके बाद पुलिस को भाई साहब ने बड़े भाई साहब ने फोन कर दिया, तो पुलिस बहुत आगे दिया। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं अभी? डॉक्टर बोले अभी खतरे से बाहर है, अभी ठीक है, अभी पहले से आराम है, अब वो थोड़ा गुंडे में जो है ना सर्जरी चल रही, थोड़ा कटी नस कटी हुई है उसको, उसके लिए ऑपरेशन हो रहा छोटा सा। उस सुबह मेरे साथ यहाँ से गए थे जब बैंक गए थे, उसके बाद वो दोबारा हम यहाँ 10:45 ना 10:15 करीब यहाँ आए, उसके 15-20 मिनट बाद वो लड़का आया, या तो उसकी मेरे पर निगरानी होगी पहले भैया, वो चले गए यहाँ से, उसके बाद बाद में पीछे से आए और दो बार पानी मांगने के बाद पीछे से वारदात की। देखिए सेक्टर 17 जगाधरी में ये घटना हुई है, एक महिला है जो उस टाइम घर पे अकेली थी, तो लगभग 11:20 पे दिन में कोई व्यक्ति आया, उसने सामने के दरवाजे से डोरबेल बजा के उनसे पानी मांगा, तो उन्होंने इसको पानी दे दिया, और उसके लगभग 20 मिनट के बाद वही व्यक्ति पीछे से जो इनका पीछे का कॉरिडोर एरिया है उसमें दीवार से जंप करके अंदर आया है, और उसने अंदर घुस के और इनसे इनके ऊपर बेधारदार हथियार से हमला कर दिया। इन्होंने बचाव की कोशिश की और फिर उस व्यक्ति ने जो सामने घर का मेन दरवाज़ा है वो बंद किया, तो इतने में वो महिला दोबारा पीछे की तरफ निकल के और दीवार से कूद के उन्होंने अपना बचाव किया। तो ये घटना जैसे ही हमें पता चला तो पुलिस की टीम मौके पे आई है, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी हम अपराधी को पकड़ पाएं। देखिए अभी ऐसा नहीं लग रहा है प्राइमरी साइली जैसा आप बता रहे कि चोरी की मंशा, तो उसने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया घर में कोई चीज़ उठाने का, ना ही जो महिला है जिसको हमला किया उनको ऐसा कुछ कहा कि कोई चाबी दे दो या कोई वैल्यूएबल को, उसने ऐसी उनसे मांग नहीं की, तो वो एंगल हालांकि उसको मैं रूल आउट अभी नहीं करता, बट प्राइमरी साइली ऐसा नहीं लग रहा।